हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिज़ाइन कट्टा पे स्वागत है। हम देख रहे हैं जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन ट्यूटोरियल और आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर है 22। तो चलिए चलते हैं कटिया में। सबसे पहले हम जाएंगे जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन में और हम देंगे आज के ट्यूटोरियल का नाम। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर है हर बार की तरह। सबसे पहले हम पैरामीटर सेट करेंगे, शीट मटेरियल पैरामीटर्स, ओके बाय डिफॉल्ट। अब मैं एक वॉल भी तैयार कर लेता हूँ, मैं वॉल ड्रॉ करूँगा इस पेन पर। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब मैं एग्जिट करता हूँ और उसे ओके करता हूँ। यह हमारा बेस वॉल कंप्लीट हो चुका है। इसकी पहली वीडियो में हमने देखा था ब्रिज और आज हम देखने वाले फ्लैंज होल, और इस तरफ की सारी कमांड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस साइड की भी सारी कमांड्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर आ रहे लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो, सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्टली जाते हैं फ्लैंज होल पर। तो मैंने एक वॉल क्रिएट कर ली है, अब मुझे सिंपली फ्लैंज होल पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करता हूँ वो मुझे फ्लैंज होल का पॉइंट यानी कि जहाँ पर भी मुझे वो फ्लैंज होल बनाना है वो, और वो एक प्लेन मुझे सेलेक्ट करने को बोलता है। तो मुझे इस प्लेन पर चाहिए और इस जगह पे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा वो वहाँ पर फ्लैंज होल बना लेता है। अब मैं जो मेरा बाई डिफ़ॉल्ट है उसे मैं एक बार प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि वो कैसे दिखता है। तो मेरा फ्लैंज होल कुछ इस तरह दिखता है। अब मैं वन बाय वन आपको एडिट करके बताऊँगा उसे कैसे चेंज करना है, चेंजेस करने हैं। तो पैरामीटर्स जो चॉइस किया है हमने वो मेजर डायमीटर है, यानी कि ये जो हमारा ऊपर के साइड का डायमीटर अगर हमारे पास हो तो हम इस टाइप का होल बना सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि माइनर डायमीटर, अगर मेरे पास ये डायमीटर है तो मैं फिर भी बना सकता हूँ। अगर मेरे पास दोनों साइड की डायमीटर है तो मैं फिर भी बना सकता हूँ। अगर मेरे पास पंच है यानी कि इसका अंदर के साइड का डायमीटर, तो भी मैं बना सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेजर डायमीटर से, और विद कोन और विदाउट कोन का भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं विदाउट कोन करता हूँ तो ये जो नीचे की मेरी फ्लैंज ऐड होती है कोन, वो हाइड हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन मुझे विद कोन रखना है तो मैं सभी को विद कोन रखूँगा। जैसी मेरी प्रायोरिटी होगी, जैसे मुझे चाहिए रिजल्ट, उसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ। अगर मुझे विदाउट कोन चाहिए तो मैं विदाउट कोन ले सकता हूँ, और मुझे विद कोन चाहिए तो मैं विद कोन ले सकता हूँ। हम देख रहे हैं मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर में हम सबसे पहले देखेंगे हाइट। यहाँ से मैं हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैं इस हाइट को बढ़ाता हूँ, आप देखिए मैं 6 को 10 करता हूँ। अब आपको प्रीव्यू करके बता देता हूँ, ये बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलते, मैं हाइट कहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली टॉप से बॉटम तक हाइट डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर अंदर अंदर भी हाइट डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी मैं उसका हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से एक बार प्रीव्यू करके आपको बता देता हूँ। मैंने ये 10 mm हाइट की थी, अब मैं रेडियस बढ़ा के आपको बता दूंगा। रेडियस यानी कि ये वाली रेडियस, यानी कि आपको ये जो रेडियस दिख रही है वो चेंज होते हुए दिख जाएगी। लेकिन रेडियस से पहले मुझे जो डायमीटर है मेरा वो डायमीटर चेंज करना होगा, तो ही मुझे उसे देख सकता हूँ, नहीं तो मेरा एरर आएगा। तो मैं सबसे पहले डायमीटर चेंज करता हूँ। डायमीटर में बढ़ा करके उसको 25 या 30 कर लेता हूँ। मैंने 30 कर लिया। अब मैं फिर से अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं बॉडी में जाकर फ्लैंज होल को डबल क्लिक करते मैं उसे एडिट कर सकता हूँ, या फिर सिंपली उस पर मुझे डबल क्लिक करना होगा। मैं प्रीव्यू करके आपको एक बार बता देता हूँ। अब मैं उसका रेडियस जो है मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं रेडियस बढ़ाऊंगा उसका 6 mm, और मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए उसका जो रेडियस है वो रेडियस बढ़ चुकी है। मैं फिर से 1 mm करके भी आपको प्रीव्यू करा देता हूँ। तो देखिए कम हो चुकी है। अब फिर से मैं उसको बढ़ा करके आपको बता देता हूँ। अब मैं करता हूँ उसको 10 mm, फिर से तो 10 mm नहीं होगा क्योंकि उसका हाइट और रेडियस सेम हो चुका है। अगर मैं ये एरर नहीं चाहता तो मुझे इसका हाइट बढ़ाना होगा। तो मैंने इसका हाइट बढ़ा दिया। मैं फिर से इसको प्रीव्यू करता हूँ। ये देखिए मेरा प्रीव्यू हो चुका है।
नेक्स्ट है मेरा एंगल, मैं इस एंगल को भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैं इसका एंगल जो है और बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन और घटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो एंगल है वो हल्का सा कम हो चुका है, अब आपको शायद अच्छे से दिख जाए। ये देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो कम हो चुका है, यहाँ से आप एंगल भी सेट कर सकते हो। फिलहाल इसको रखता हूँ 50, इसका प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू आ चुका है, अब हमने एंगल देख लिया, अब डायमीटर तो हमने पहले ही देख लिया है, ये डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, के फैक्टर और फ्लैट डायमीटर, तो हम यहाँ से फ्लैट डायमीटर को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे पास के फैक्टर है तो हम के फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, एडिट यहाँ पर ऑप्शन है, हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फाइल है तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये चेंज करके, तो ये होगा मेजर डायमीटर तो हमने देख लिया, अब है माइनर डायमीटर, तो सिंपली जहाँ पर मैंने मेजर डायमीटर लिया था वहाँ पर मेरा माइनर डायमीटर आ जाता है, ऊपर के साइड में मैं उसका एंगल सेट कर सकता हूँ। तो मैं मेरा जो माइनर डायमीटर है यहाँ से मैं माइनर डायमीटर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में हमारा आता है टू डायमीटर, दोनों साइड के डायमीटर, माइनर माइनर और मेजर दोनों डायमीटर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरा माइनर डायमीटर और ये रहा मेरा मेजर डायमीटर, तो मैं सबसे पहले मेजर डायमीटर चेंज करूँगा और फिर से रिव्यू, तो ये नहीं होगा, मैं इसे बढ़ा लेता हूँ फिर से इसका रिव्यू करता हूँ। और ठीक उसी तरह यहाँ पर पंच डाई भी है, यानी कि अगर मेरे पास ये शीट के नीचे के साइड का और बॉटम का अगर मेरे पास डायमीटर है तो मैं इसे बना सकता हूँ। इस तरह से मेरा फ्लैंज होल डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सिंपली आपको वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला ट्यूटोरियल सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑटोकैड, कटिया, सॉलिडवर्क्स, क्रियो, एनएक्स, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको सिंपली कमेंट करना है, मैं इसे ज़रूर सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।